जनवरी 2012 से अस्तित्व में आया सुकमा जिला विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों एवं वामपंथ उग्रवाद से दशकों से जूझ रहा है। यहां 60% से अधिक ग्राम पंचायत पहुंचविहीन हैं और सुरक्षा के लिए 60 से अधिक सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद के कारण शिक्षा का स्तर संतोषप्रद नहीं रहा है। सलवा जुड़ूम के बाद 300 से अधिक शालाएँ शिक्षा व्यवस्था से कोसों दूर रही। जिले के 36 स्थानों पर 120 से अधिक शालाओं को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण 25,000 से अधिक बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से दूर हो गए। सुरक्षा कारणों एवं मानव संसाधनों की कमी के कारण शिक्षकों की औसत उपस्थिति 50% से कम और बच्चों की औसत उपस्थिति 30% से कम थी। समुदाय से चर्चा के दौरान पाया गया कि बच्चों और आदिवासी समुदाय ने बूट और बंदूक के अलावा और कुछ नहीं देखा। इन्हीं समस्याओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए और आवासीय पोटा केबिन से प्रेरणा लेते हुए सामूहिक शिक्षण विकास मॉडल की परिकल्पना की गई, जिसमें एक एजुकेशन सिटी और 13 मिनी एजुकेशन हब के द्वारा 25,000 से भी अधिक बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुलभ कराई जा रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए सर्व सुविधा युक्त आवासीय परिसर तैयार किया गया है। लगभग 100 एकड़ में फैले हुए इस एजुकेशन सिटी में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई नवाचारी प्रकल्प हैं। एजुकेशन सिटी के संचालन से सीमित बजट में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर बेहतर शिक्षण सुविधाएं सुलभ करा पाने में सफल हुए हैं। एजुकेशन सिटी में संचालित आवासीय शिक्षण संस्थाओं में जिले के दूरस्थ माओवाद हिंसा से पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामों के बच्चों को चिन्हांकित कर शिक्षण संस्थाओं में दाखिला देकर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। 5,000 की क्षमता वाले इस परिसर में वर्तमान में 2,500 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। विगत एक वर्ष में लगभग 1,000 बच्चे शिक्षा के मुख्यधारा से जुड़ चुके। इस कड़ी में ज्ञानोदय प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्ञानोदय में नक्सल पीड़ित शाला अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों को चिन्हांकित कर विशेष सुसज्जित कक्षा तथा बैगलेस स्कूल में आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लास, अबेकस मैथ्स किट के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है तथा नियमित शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे आकृतियों एवं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उनके उम्र के हिसाब से जिस कक्षाओं में होना चाहिए उन स्तर पर उन्हें पहुँचाते हैं और अन्य स्कूलों में ले जा कर के उन्हें दाखिला देते हैं, ताकि बच्चे अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से और सही तरीके से पूर्ण कर सके। इसी परिसर में विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित 35 अलग अलग झूलों से सुसज्जित विज्ञान पार्क, साइंस सेंटर एवं प्लेनेटेरियम के माध्यम से बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षा रुचिकर और सरल हो गई है। अब तक इस संस्था से 12,000 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो चुके हैं। साइंस पार्क की प्रेरणा से ही 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र रोशन सोड़ी ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इग्नाइट प्रतियोगिता में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड प्राप्त कर सुकमा जिले को गौरवान्वित किया। इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए आरोहण संस्था का संचालन हो रहा है। आरोहण के 2 छात्र IIT में पढ़ रहे हैं और कई छात्र छात्राएं ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे बुक्स, नोट्स आदि शासन के द्वारा दिया जाता है और इन सब व्यवस्था को देखकर मैं यह कह सकती हूँ कि मैं इंजीनियर बनके। इसी प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें गत वर्ष 12 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हुए हैं। शालाओं को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए और शिक्षकों के कौशल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विद्यालय दर्पण अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग है, जहां शिक्षकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से विद्यालय में जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इस केंद्र में अब तक 936 विद्यालयों के 1200 से अधिक शिक्षकों को प्रशासनिक प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण सामग्री आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। जिले के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर प्रदान करने के लिए नई दिशा योजनांतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी दी गई है।
एजुकेशन सिटी में ही रोजगारमूलक शिक्षा की व्यवस्था भी लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से की जा रही है। इस अनूठे कॉलेज में अब तक 1300 से अधिक नक्सल पीड़ित युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को कैंटीन, बागवानी, इमली प्रसंस्करण केंद्र आदि के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। कॉलेज में सिलाई का प्रशिक्षण ले चुकी हूँ और मुझे यहाँ काम मिल चुका है और मैं यहाँ महीने में 5 से 6 हज़ार कमा लेती हूँ। एजुकेशन सिटी से उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधाओं के लाभ को दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाने के लिए 13 मिनी एजुकेशन हब का संचालन भी किया जा रहा है। आज यहाँ के बच्चों के लिए सोलर ऊर्जा से लाइट, टेलीविज़न, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, मोबाइल साइंस वैन, मोबाइल कंप्यूटर वैन, बहुभाषी शिक्षा, खेल मैदान एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आज एजुकेशन हब के द्वारा 25,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा का लाभ ले पा रहे हैं। 200 से अधिक पहुँच विहीन शालाओं में 1300 से अधिक छात्र छात्राएँ शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। 750 से भी अधिक छात्र छात्राएँ ध्वस्त शालाओं के पुनः निर्माण से शिक्षा की ओर जुड़ चुके हैं। वामपंथ उग्रवादियों द्वारा बच्चों को अपने हिंसात्मक अभियान से जोड़ने के लिए बाल संगम के रूप में उपयोग किया जाता था, अब उस पर भी विराम लग चुका है। अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा और आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरह करूँगा, उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन्हीं नवाचारों की उपलब्धि है कि जहां 10 स्थानों पर 1000 बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ का व्यय होता था, वहीं एजुकेशन सिटी में अत्याधुनिक संसाधनों के उपयोग द्वारा सुरक्षित परिवेश में 1000 बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का व्यय लगभग 15 करोड़ है। इसी के परिणाम स्वरूप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत गत वर्ष 116 शालाएँ सी और डी ग्रेड से ए और बी ग्रेड में उन्नीत हो चुकी हैं और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आकलन में सुकमा जिला 25वें स्थान से 12वें स्थान पर आ चुका है तथा एजुकेशन हब में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 50% से बढ़कर 100% तथा छात्र छात्राओं की उपस्थिति औसत 30% से 80% तक पहुंच चुकी है और इसी से लाभान्वित बच्चे हमारे शांति दूत बनकर अति संवेदनशील क्षेत्रों में शांति का संदेश फैला रहे हैं और मुख्य धारा से भटक चुके आदिवासियों को पुनः शासन और मुख्य धारा से जुड़ने को प्रेरित कर रहे हैं। सुखमय सुकमा के लक्ष्य को लेकर शुरू हुए इस जिले का सफर प्रगति पथ की ओर निरंतर अग्रसर होकर सुकमा जिला विश्वास की डगर पर विश्वास का सफर तय करेगा।